কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তৃতীয় এনডিএ সরকার ভাঙছেই এটা নিশ্চিত এমনই আওয়াজ উঠলো একুশে জুলাইয়ে তৃণমূলের শহীদ দিবসের মঞ্চ থেকে এই সরকার যে বেশিদিন দিন টিকবে না সেটা আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার তিনি বলেছেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে শরিক দলগুলির সাহায্য নিয়ে তৃতীয়বার কেন্দ্রে সরকার করেছে বিজেপি তাই এই সরকার বেশিদিন দিন টিকবে না আর এবার এই একই বাণী শোনা গেল উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের তৃণমূল নেত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রবিবার একুশে জুলাই ধর্মতলায় শহীদ সমাবেশে যোগ দেন তিনি মঞ্চে বক্তৃতা দিতে উঠে অখিলেশ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষ প্রশংসা করেন নিজের পা ভেঙে যাওয়া অবস্থায় তৃণমূল নেত্রী যেভাবে দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেছেন তার প্রশংসাও শোনা গিয়েছে অখিলেশের গলায় একই সঙ্গে অখিলেশ জানান যে কোনো দল যে এইভাবে শহীদদের মনে রেখে সমাবেশ করতে পারে তা তৃণমূল কংগ্রেস না দেখালে জানাই যেত না এটা সত্যিই বিরল কি বলছেন অখিলেশ হালা বঙ্গালনে আপলকে মোকাবিলা কিয়া বিজেপি হটা দিয়া পিছে ছোড় দিয়া ইউপিবি আপকে সাথে পিছিয়ে ছোড় দিয়া ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है वो सरकार गिरने वाली है और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है न कभी रहेगा इसलिए हर हाल में किसी भी स्तर तक गिर कर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं अगर इनका इतिहास उठा करके देखेंगे सनकारी लोगों का ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं दूसरों के महापुरुषों को अपना बताने का षडयंत्र करते हैं क्योंकि नकारात्मक लोगों के पास अपने महापुरुष नहीं होते न इनके पास गुरुदेव होते हैं न नेताजी होते हैं जो लोग इंसानियत को बांटते हैं उनके बीच कोई महापुरुष भी कैसे बन सकता है कैसे आ सकता है महापुरुष होने की पहली शर्त यही है कि उसके दिल में इंसानियत धड़कती हो और जो सच के साथ देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता हो ऐसी हिम्मत और हौसला नकारात्मक राजनीति करने वालों में न कभी रहा है और न कभी रहेगा जब जब जनता जागरूक होती है ऐसे लोगों में खलबली मच जाती है इनके झूठे प्रचार और जुमलों की कलई खुदने लगती है और ये भी हताश होकर के आपस में लड़ने लगते हैं जो लोग नकारात्मक ताकतें आखिर में अपने अंदर ही कले से खत्म होती हैं आज देश जाग उठा है ऐसी ताकतों को पैर उखाड़ना शुरू हो गए हैं हम और आप लोग मिलकर के निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं हम और आप लोग मिलकर के पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है और वही वक्त आएगा जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा हम सब लोग मिल के देश को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए भाईचारे को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है इसलिए आज यहां आए हर समर्पित कार्यकर्ता से मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आपका नेता आपकी नेता बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने लड़कर के संघर्ष कर करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को इस पार्टी को आपका साथ लेकर के यहां पहुंचाया है और दूर तक जाना है इसलिए जिस तरीके से आपने हमेशा उनके संघर्ष में साथ दिया है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे और मैं आज के दिन जब अपने शहीद कार्यकर्ताओं के साथ याद करते हुए यहाँ आप खड़े हैं मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे जो लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे मैं आखिरी में आप लोगों के बीच में उन बातों को कहना चाहता हूँ एक एक कार्यकर्ता के लिए कहना चाहता हूँ कि हिम्मत को बनाना हथियार और असूलों को बुनियाद रखना अपने हौसलों को हौसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने शहीद कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रखते हैं और आपका दल आपकी नेता ऐसी है जो कार्यकर्ता को न केवल सम्मान देती है बल्कि जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं वर्षों वर्ष गुजर गए हैं लेकिन आज भी उन कार्यकर्ताओं के प्रति वही प्यार और सम्मान है इसलिए मैं ऐसे नेता का धन्यवाद देता हूं, ऐसी पार्टी को बधाई देता हूं, कि ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुला करके मुझे अपने कार्यकर्ताओं से पर्चे कराने का काम किया है मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और दीदी का विशेष धन्यवाद दूंगा

বারবার তিনি বলেছেন যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে শরিক দলগুলি সাহায্য নিয়ে তৃতীয়বার কেন্দ্রের সরকার গড়েছে বিজেপি তাই এই সরকার না। এবার এই প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পার্টির নেতা যাদবের মুখে তৃণমূল নেত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রবিবার একুশে জুলাই ধর্মতলার শহীদ সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন অখিলেশ আর সেই মঞ্চ থেকেই বক্তৃতা দিতে উঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষ প্রশংসা করলেন কি বলেছেন শুনব की बंगाल ने आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया बीजेपी को हटा दिया पीछे छोड़ दिया यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है वो सरकार गिरने वाली है और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे उन्होंने खूब चुनो सब्सक्राइब करू चैनल टीके